In the last class, we are discussing about significant figures. I have told you the rules for determination of significant figure. That was five simple rules. There are five simple rules to determination of SF. First rule, all non-zero digits are significant. Second rule, zero, है ना? Zero before the तीन rule थे आपके regarding zero के बेटा. Zero before the first non-zero digit are insignificant. Zeros in between the non-zero digits are significant और zeros to the right of decimal are significant. तो ये तीन थे और last पांचवा rule था, बता हमारा कि counting objects जो होते हैं उनमें indefinite या infinite number of significant figures हो सकते हैं. अब ये पांच rule है बेटा. अब हमारा काम है कि इन significant figures से आपको deal किस तरह से करना, calculation किस तरह से करना, ठीक है ना? तो अब उसके लिए पहला हमारा लिख लो बेटा, addition and subtraction of significant figures. हाँ, तो वही कह रहा हूँ, दोनों बता रहा हूँ, एडिशन मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन डिविजन. तो फर्स्ट है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स SF, है ना? और इसमें बस सिंपल सा एक ही रूल आपको फॉलो करना है, लिख लो द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स. The result cannot have more digits to the right of decimal point. Result cannot have more digits to the right of decimal point than either of the original numbers. Than either of the original numbers. क्या मीनिंग हुआ भैया? कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ बेटा कि 12.11 प्लस 18.0 प्लस 1.012 इनको ऐड करने को मैं आपसे बोल रहा हूँ, है ना? तीन एक्सपेरिमेंट के तीन अलग अलग रिजल्ट्स हैं. तो यू कैन सी कि इन दिस केस यू हैव हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, फोर. और डेसिमल के बाद कितने हैं बेटा? दो. इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर तीन है, डेसिमल के बाद कितना? एक. अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो टोटल फोर है, बट डेसिमल के बाद कितना है? थ्री. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या बोला गया? आप चाहो जितनी भी नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो बेटा, जो फाइनल रिजल्ट होगा, जैसे अगर मैं इन्हें नॉर्मली ऐड करता हूँ बेटा, है ना, मेरे पास रिजल्ट है, मैं लिख दे रहा हूँ, तो नॉर्मली ऐड करने पर तो ये 31 पॉइंट कितना आ रहा है? 122, ठीक है ना? बट अगर आपने ये लिख दिया बेटा सिग्निफिकेंट फिगर में, तो दिस आंसर विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग. क्यों? बिकॉज द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल सेज द फाइनल रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट देन एदर ऑफ एनी नंबर, ठीक है ना? डेसिमल पॉइंट के राइट में जो होंगे वो किसी भी एक नंबर से ज्यादा नहीं हो सकते बेटा, जो भी नंबर आप ऐड कर रहे हो. तो लोएस्ट नंबर कितना है आपके पास? वन है. तो मतलब डेसिमल के बाद केवल आपको एक प्लेस तक ही लिखना है ना. तो ये केयरफुलनेस हमें अडॉप्ट करनी पड़ती व्हाइल डीलिंग विद किसके साथ? सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना? तो आपका आंसर अगर आपने जैसे जेई में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, एक दो छोटे छोटे AI ट्रिपल ई में तो आते रहते हैं, उनमें वो चार आंसर इसी तरह से बना के दे देता है. एक ऑप्शन जैसे ये दे देगा तो ये गलत है. मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वो केवल क्या होगा? 31.1, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल आप डाल लीजिएगा. तो दैट्स वाई द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट देन एनी ऑफ द नंबर. ओके. एंड सेकंड इज आपका मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ SF. सब में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए सेम रूल है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का सेम रूल है. तो सेकंड वन इज अवर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ SF, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है? और इसमें लिखना बेटा कि इन दिस ऑपरेशन the result must be reported. In this operation, the result must be reported with no more significant figures. Result must be reported with no more significant figures as are no more significant figures as are there in the as are there in the
मेजरमेंट विद द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, जैसे इसका भी मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, है ना, कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, बस एग्जांपल तो एक एक है। 2.5 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1.25 से, ठीक है ना। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करो बेटा, ना मेरे पास रिजल्ट है, मैं लिख दे रहा हूँ 3.125। ठीक, अब अगर मैं इसमें देखूं, इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2, इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, ठीक है, और ऐसे देखा जाए तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए बेटा, 4। तो ये रिजल्ट डेफिनेटली क्या है मेरा, गलत है। एडिशन मल्टीप्लीकेशन रूल ये बोलता है कि जो फाइनल आंसर होना चाहिए बेटा, उसमें जो लोएस्ट नंबर है, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें लोएस्ट है, उससे ज्यादा आपका आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो कितने सिग्निफिकेंट फिगर वाला होना चाहिए, 2, है ना, कितने सिग्निफिकेंट फिगर वाला होना चाहिए, 2, जबकि अभी आपने कितना करा है बेटा, 4। तो दैट्स व्हाई योर आंसर विल बी, करेक्ट आंसर विल बी 3.1, नॉट 3.125, है ना। और बेसिकली है ना बस दो ही रूल है, तो इसमें मुझे इसको समझाने की जरूरत नहीं। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना है, राइट टू द डेसिमल पॉइंट देखना है बेटा, कि डेसिमल पॉइंट के राइट में किसमें सबसे कम है, और इसमें क्या करना है, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर को देखना है, ठीक है। अब इनके लिए एक चीज और है कि वी आर राउंडिंग ऑफ दिस नंबर 31.122। अब मैंने 31.1 ही क्यों लिखा, क्या मैं 31.2 नहीं लिख सकता था, क्यों, क्योंकि सर जो 2 है ना वो सबसे, हाँ, नियरेस्ट वन है, तो सबसे नियरेस्ट, तो उससे क्या हो गया, यहाँ 6 होता तो 31.2 हो जाता है ना, हाँ, तो वही यहाँ पर भी वही है, ठीक है ना। तो राउंडिंग ऑफ के आपको क्या रूल्स हैं, बस उसके भी लिख लो बेटा, राउंडिंग ऑफ के रूल्स, है ना, रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ के 3 रूल है बेटा। हमेशा जो डिजिट रिमूव करने होंगे वो कौन से डिजिट रिमूव करने होंगे बेटा, राइट वाले, तो इन्हें हम लोग राइट मोस्ट डिजिट बोलेंगे। तो पहला रूल है ना, कीप द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड, अवर फर्स्ट रूल इज इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5, देन प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1, देन प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1, ठीक है ना। ये पहला रूल है आपका, जैसे एग्जांपल दूं 1.386। अब अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बेटा, 4, मैं चाहता हूं कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो, तो डेफिनेटली आपको जो हटाना पड़ेगा वो कौन सा वाला हटाना पड़ेगा, लास्ट वाला, क्योंकि हमेशा राइट मोस्ट ही हटेगा। अब जो राइट मोस्ट नंबर हटने वाला है वो 6 है बेटा, विच इज ग्रेटर देन 5, तो अगर 6 है बेटा तो आपको इसको प्रीसीडिंग नंबर मतलब 8 को क्या करना है, 1 से बढ़ा देना है, तो दैट्स व्हाई माय आंसर विल बी कितना, 1.39, ठीक है। सेकंड बस इतना है बेटा कि इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, इफ द राइट मोस्ट नंबर टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, ठीक है ना, देन प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज्ड। इसमें भी जैसे एक एग्जांपल ले लो 4.334, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है बेटा, आप चाहते हो 3 करना, तो अगेन हमेशा डिजिट हटेगा कौन सा, राइट मोस्ट वाला, 4 हटाना है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 4.33 ही रहेगा, क्योंकि लेस देन 5 है, तो इस वजह से है ना प्रीसीडिंग नंबर को मुझे कोई भी चेंज नहीं करना है, है ना। अब एक केस आ सकता भैया कि इक्वल टू 5 हो जाए तो क्या करे, इक्वल टू 5 हो जाए, एग्जैक्टली 5 से बड़ा था तो आपने, नहीं 5 से बड़ा, इक्वल टू 5 तो ना हटाना है इक्वल, अभी जैसे मुझे किसको हटाना था बेटा, इसको, ठीक है, तो इसको हटाना था, तो ये 5 से बड़ा था, तो आपने बिल्कुल सही बोला कि सर बढ़ा दो, छोटा था तो आपने बोला सर नो चेंज। अब मैं कह रहा हूँ ये इक्वल टू 5 हो जाता, 1.385 होता, और मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए थे, तो क्या करना पड़ता मुझे, है ना, तब दो रूल है बेटा, आपको ये देखना पड़ेगा कि नंबर इवन है कि ऑड है, उससे प्रीसीडिंग वाली, ठीक है ना।
तो तब दो रूल हो जाते हैं इवन और ऑड का, तो लिख लेना इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, है ना, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5, देन प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज इफ इट इज इवन, then preceding number is not changed if it is even and increased by 1 if it is odd, increased by 1 if it is odd. तो अगर आपसे मैं बोल रहा हूँ 2.465, ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल भी दूं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने बेटा 4, आप चाहते हो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 2.46 ही रखोगे क्योंकि अब आपको जो हटाना है बेटा वो 5 है और उससे पहले वाली नंबर क्या है आपकी इवन है, तो इसलिए नो चेंज. बट अगर ये चीज 2.475 होती, ठीक है, तब क्या करते आप इसे 2.48 कर देते, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर ये नंबर आपकी इवन थी और यहां पर ये नंबर क्या हो गई है आपकी ऑड, ठीक है. तो बस ये इतने से आपके सिग्निफिकेंट नंबर्स के रूल होते हैं बेटा. आजकल जेई में एक्सपेरिमेंटल चीजों के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगा है, तो एक्सपेरिमेंटल नंबर्स के लिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का आइडिया होना चाहिए. कुछ मैं प्रीवियस AI EEE वगैरह के क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूँ जिससे, ठीक है ना. पहला क्वेश्चन तो आपका NCERT बुक का ही है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग. Your first question is how many significant figures are present in the following. First दे रहा हूँ मैं आपको 0.0025, second is 208, third is 5005, ठीक है ना, फोर्थ इज 126.0 और फिफ्थ इज 2.034, है ना. पहला सिंपल का क्वेश्चन है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको बताने. ठीक है, ओके, सही. फर्स्ट का कितना हो जाएगा 2, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट, जीरोस इन बिटवीन आर सिग्निफिकेंट, ये भी जीरोस इन बिटवीन आर सिग्निफिकेंट, सो यू हैव 4, और इसमें जीरोस टू द राइट आर सिग्निफिकेंट, तो ये भी 4 हो जाएगा. लास्ट वाला कितना हो जाएगा हमारा 5, ठीक है. चलो एक और क्वेश्चन देखो नेक्स्ट आपका, ये आया है आपका JEE स्क्रीनिंग 2003 में. द एज ऑफ ए क्यूब इज 1.2 × 10⁻²⁰ मीटर. द एज ऑफ ए क्यूब इज 1.2 × 10⁻²⁰ मीटर, देन इट्स वॉल्यूम विल बी रिकॉर्डेड एज 4 ऑप्शन आपको गिवन है, 1.728 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब, ठीक है ना, 1.7 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब, 1.73 × ये आपका JEE 2003 का क्वेश्चन है स्क्रीनिंग का, दीज आर द 4 ऑप्शन.
सबसे पहले तो देखो मैं जो स्टूडेंट की टेक्निक बताऊं जो आप भी करने जा रहे थे ना, आपको एज लेंथ गिवन कितनी 1.2 × 10⁻², ठीक है, एंड यू आर आस्किंग, ही इज आस्किंग फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब, तो आपको 1.2 × 10⁻²² का क्या करना है, क्यूब करना है, ठीक है ना। अब इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 10⁻⁶, ठीक है ना। अब 1.2 को 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली डेसिमल के बाद दो डिजिट हो जाएंगे, और फिर 1.2 से करोगे तो डेसिमल के बाद 3, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट जब सॉल्व करेगा तो 1.728 × 10⁻⁶ आएगा, जिसको सिग्निफिकेंट फिगर का आइडिया नहीं होगा बेटा, ठीक है ना, वो आंसर सीधे कौन सा टिक करेगा, बी, और जिसको आइडिया होगा वो कौन सा आंसर टिक करेगा भैया, सी वाला, और जिसको खूब ज्यादा आइडिया होगा वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करेगा, सीधे सी टिक कर देगा। क्यों भैया, क्यूब का वॉल्यूम पूछा है, जैसे तुमको जो मैंने बोला तुमने भी टाइम लिया, जब मैंने क्यूब का वॉल्यूम पूछा है तो मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन का क्या रूल था कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर ओरिजिनल नंबर में है, इस ओरिजिनल नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, दो, तो फाइनल आंसर में भी दो ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, आउट ऑफ दिस 4 केवल इसी में से दो सिग्निफिकेंट, इसलिए मैं कह रहा हूँ जेई वाला आईक्यू लेवल के भी क्वेश्चन देता है ना। टीचर नॉर्मली क्लास में बेटा बस सॉल्यूशन बताता है, और मैं बच्चों को ये चीजें ज्यादा बताता हूँ कि क्वेश्चन ऑप्शंस देखो वो कितने बढ़िया ढंग से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा, ठीक है, कर लोगे आगे आइडिया सिग्निफिकेंट फिगर।